तो साथियों कैसे आप सभी, मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से कराती, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके लिए रोज रात 9 बजे मैं लगभग एसएससी जीडी आने वाली भर्ती और चित्रे भी और अन्य एग्जाम होते हैं जिसमें भी जीके इंपॉर्टेंट है, उसके लिए दो दो शिफ्ट हर एक क्लास में कराने की कोशिश कर रहा हूं। आज ये दूसरी क्लास है, जो पिछले जो क्लास थी पहली क्लास उसमें हम लोग सेकेंड शिफ्ट के 10 क्वेश्चन बच गए थे। सबसे पहले हम लोग वो करेंगे जिससे कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हमसे छूट जाए, फिर उसके बाद में आज हम दो शिफ्ट हर हाल में करेंगे। तो आज हमें कुल मिला के 50 क्वेश्चन करने होंगे, दो तो शिफ्ट जीडी की 20-20 क्वेश्चन की और कल के बचे हुए 10 क्वेश्चन। तो कुछ का मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन करूंगा, कुछ का हल्का एक्सप्लेनेशन रखूंगा। तैयार हो आप सभी लोग, कल वाली क्लास का रिविजन जरूर करना, क्योंकि अब आपको एक इशारा लग जाएगा कि 50% ऐसा है कि जो जनरल उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आसान से आता है, लेकिन 50% के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप 80-85% जीके में नहीं पहुंचते तो आप फाइनलिस्ट का मतलब थोड़ा सा उतनी उम्मीद मत रखिए, आपको एक करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से 80% पर मेरिट आ रही है, आप उसे किसी भी सब्जेक्ट को कम करने या छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। सभी को जय हिंद। सबसे पहला क्वेश्चन कल का, यही पिछले क्लास के 10 प्रश्न बचे थे तो सबसे पहले उन्हीं को करा देता हूं। बैडमिंटन में प्रत्येक गेम में 21 अंक होते हैं, प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? 21 अंक होते हैं, प्रत्येक गेम में 21 अंक होते हैं। यदि दोनों खिलाड़ी प्लेयर ए प्लेयर बी 20-20 अंक पर होते हैं तो फिर जो दो खिलाड़ी, जो भी खिलाड़ी दो की लीड लेता है, 2 अंक की लीड, उसे विजेता माना जाता है। या फिर अगर नहीं ले पाता तो जो इनमें पहले 29 अंक पर पहुंचता है, इनमें जो भी पहले 29 अंक पर पहुंचेगा उसी को विजेता माना जाता है। टेनिस में जो टाई ब्रेक होता बड़ा ही खतरनाक है, इसमें टाई ब्रेक इतना खतरनाक नहीं है। याद रखिएगा, थॉमस कप, ओबर कप, थॉमस कप, ओबर कप, इसी प्रकार सुधीरमन कप, सुधीरमन कप, नारंग कप, चड्डा कप, नारंग कप, चड्डा कप, ये सब किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? भारतीय सिविल सेवा ICS उस समय पर इसे कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सेवा। तो भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय, देखिए भारतीय सिविल सेवा में भर्ती का जो प्रचलन था वो 1854 से शुरू हुआ और 1863-64 के आसपास पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर, कौन बच्चा? सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये पहले भारतीय ICS अधिकारी थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर ये पहले भारतीय ICS अधिकारी थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है कौन सा अनुच्छेद? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, बताइए 20, 21, 22, 19। तो 19 तो हो जाती है आपकी जो अपनी वैचारिक या जिसे आप कह सकते हैं कई प्रकार की स्वतंत्रताएं, जिसमें विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, काम धंधे की स्वतंत्रता, संघ इत्यादि बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 में यह आ जाता है जिसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, निवारक निरोध से संबंधित कुछ आपको प्रावधान दिए गए। और अनुच्छेद 20 जिसमें एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजानी होगी और अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। तो 33 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। यह कल के बचे हुए क्वेश्चन करा रहा हूं। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, और मणिपुरी जिसे जागोई भी कहते हैं यह मणिपुर का है, मणिपुरी जिसे जागोई भी कहते हैं मणिपुर। यह सबसे सरल सवाल होता है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, कुचिपुड़ी
आंध्र प्रदेश का अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही क्या तैयार होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, वास्तविक ढांचा, सांकेतिक ढांचा, वास्तविक जीडीपी, अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र। आजकल जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका 19-20% ही भारत के जीडीपी में योगदान हो गया है। जो द्वितीयक क्षेत्र जिसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं इसका 29-30% के लगभग पहुंच गया। और जो तीसरा क्षेत्र है जिसको सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, सबसे ज्यादा योगदान वर्तमान में तृतीयक क्षेत्र का है। इन तीनों से मिलके ही किसी अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। इन तीनों के मिलने से ही किसी अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। लिख लीजिएगा, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी के अंदर जो योगदान होता है। अर्थ जैसे शरीर है, तो शरीर मान लो ये हमारी अर्थव्यवस्था हो गई। अब इस अर्थव्यवस्था में ये हो गई हमारी सर्विस सेक्टर, ये हिस्सा हो गया हमारा द्वितीयक क्षेत्र, और नीचे वाला हिस्सा हो गया हमारा मान लेता हूं प्राथमिक क्षेत्र। तो हमारे शरीर का ढांचा जैसे अलग अलग अंगों से बनाए, वैसे ही अर्थव्यवस्था उसके प्रत्येक क्षेत्र द्वारा बनती है। 35 का उत्तर डी। ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक, 1920 के ओलंपिक की बात चल रही है, भारत के प्रथम ध्वजवाहक, सोचिए कहां से क्वेश्चन। तो ओलंपिक आपको डीपली पढ़ना होगा। आप जानते 2020 के ओलंपिक 2021 में टोक्यो जापान में हुए। कहां पर हुए? टोक्यो जापान। 2024 के ये कहां पर होंगे? पेरिस में। 2028 के कहां पर होंगे? लॉस एंजेलिस में। 2032 के ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो ध्यान दीजिएगा, कौन थे? लाल शाह बुखारी, पूर्णा बनर्जी, ध्यानचंद या जफर इकबाल? पूर्णा बनर्जी, ध्यानचंद या फिर जफर, ये चारों के चारों ही कभी ना कभी, ये चारों के चारों ही कभी ना कभी भारत के, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये कभी ना कभी इनमें से ये चारों के चारों ही बन चुके। क्या बन चुके? ये चारों के चारों ही कभी ना कभी किसी ना किसी ओलंपिक में, कभी ना किस कभी किसी ओलंपिक में इन चारों में से कोई ना कोई बना है। लेकिन आपको पहला बताना है, आपको पहला बताना है, आपको पहला बताना है कि पहला कौन था। फर्स्ट बताना, 1920 पूछा है, 1920 पूछा है, 1920 देखिए, जफर इकबाल जी 1964 में, जफर इकबाल कब बने? 1964 में। लाल शाह बुखारी 1932, लाल शाह बुखारी 1932, और पूर्णा बनर्जी आंटवर्प ओलंपिक 1920, आंटवर्प ओलंपिक 1920। तो 1920 के ओलंपिक में पूर्णा बनर्जी, लाल शाह बुखारी 1932, 1964 में, 1984 में, 64 भी नहीं, 1984 जफर इकबाल और मेजर ध्यानचंद जी बने थे 1936 में। मेजर ध्यानचंद जी 1936 में, मेजर ध्यानचंद जी 1936 में, 36 का भी मतलब कहने का है कि क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको पढ़ने होंगे। जब आप ओलंपिक पढ़ें तो ये चीज में आपको ध्यान देनी होगी। प्रथम ध्वजवाहक पूर्णा बनर्जी, जफर इकबाल 1984, लाल शाह बुखारी 1932 और ध्यानचंद 1936। तो प्रश्न संख्या 36 का उत्तर भी, किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? त्रिपुरा में कितनी राज्यसभा सीट है? त्रिपुरा में लोकसभा सीट दो है, राज्यसभा सीट कितनी है? त्रिपुरा में राज्यसभा सीट कितनी है? त्रिपुरा में राज्यसभा सीट कितनी है? और यहीं से एक व्यक्ति, ये पहले यहां के सीएम भी रह चुके हैं, लेकिन बाद में चुनाव से एक साल पहले इनको हटाकर माणिक शाह को सीएम बनाया गया और बाद में इनको राज्यसभा भेज दिया गया। एक सीट है, दो लोकसभा, एक राज्यसभा। विप्लव कुमार देव,
विप्लव कुमार देव, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल, मणिक साह यहाँ के मुख्यमंत्री 37 का सीन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है, 1925 कानपुर में इसका गठन हुआ था। सीपीआई हाल ही में इसका जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था वो छीन लिया गया है। इसके महासचिव पूछा है सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी पूछा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 कानपुर में बनी, कम्युनिस्ट पार्टी एम एन रॉय वगैरह ये सब इसके संस्थापक थे, इसके संस्थापकों में एम एन रॉय इत्यादि थे। अक्टूबर 2022 तक डी राजा, याद रखिएगा डी राजा इसके जनरल सेक्रेटरी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डी राजा। हेल संघ के अनुसार नालंदा बोध मठ के डैश से कठिन प्रश्न पूछते हैं, जब भी कोई नालंदा बोध विहार, मतलब आपको याद है कि कुमार गुप्त वन के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, कुमार गुप्त एक के द्वारा और बख्तियार खिलजी के द्वारा इसका विध्वंस किया गया, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना धर्मपाल ने की। तो जो चीनी यात्री हिंसवांग, जो कि हर्षवर्धन के समय पर भारत आया था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा, और वहां पर उसने अपनी उसमें लिखा यात्रा में, जो उसके यात्रा के डॉक्यूमेंट है, कि जब भी कोई नया व्यक्ति एडमिशन लेने आता था नालंदा विश्वविद्यालय में, तो वहां पर कौन व्यक्ति नए विश्वविद्यालय, मतलब एडमिशन लेने वाले व्यक्ति से टेस्ट लेते थे, उससे कठिन प्रश्न पूछते थे, यदि वो उत्तर दे देता था तो उसका एडमिशन हो जाता था, नहीं दे पाता था तो उसे बाहर कर देते थे। 10 में से 2 या 3 व्यक्ति एंटर हो पाते थे, बाकी सारे के सारे गायब हो जाते थे। वंदे, जब तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम फंसोगे, समझ रहे मेरी बात। अब तुम्हें क्वेश्चन ये पूछना चाहिए, भैया ये क्वेश्चन कहां से आया? तो एनसीईआरटी हिस्ट्री की इतिहास की पुस्तक है ना, 6 क्लास की, वहां से आया है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6, वहां के द्वारपाल क्वेश्चन पूछते थे, गेट कीपर क्वेश्चन पूछते थे। तो जो द्वारपाल होते थे ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, ये द्वारपाल ही नए व्यक्ति से प्रश्न पूछते थे, उत्तर देता था तो उसे अंदर आने देते थे, अन्यथा उसे घर भेज देते थे। तो ये क्वेश्चन कहां से आया, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6। अब नॉर्मल तौर पर पढ़ने में लगेगा यार सबसे पुराने भिक्षु या सबसे ज्ञान वाले भिक्षु पूछेंगे, जबकि ऐसा नहीं है, द्वारपाल पूछते थे, गेट कीपर, और कहां से बनाए, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास नंबर 6। चलिए 40, घुमंतु पशु चारण नोमेडिक हर्डिंग में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। जो चरवाहे होते हैं, जैसे आप जानते हैं कई बार भेड़ चराने वाले या अपने ऊंट इत्यादि लेकर जो नोमेडिक हर्डर होते हैं, चरवाहे होते हैं, वो गर्मियों के दिनों में अपने उत्तर भारत की तरफ, उत्तर प्रदेश वगैरह में आ जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा। अब वो किसकी तलाश में आते हैं, भाई उनके साथ जानवर है, तो जानवरों के चारे, भाई जाहिर सी बात है जानवरों को चारा चाहिए, और जानवरों को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो चारे और पानी की तलाश में वो रुकने नहीं आते, वो घर की तलाश में नहीं आते, क्योंकि वो घुमंतु है, उनको आश्रय की आवश्यकता नहीं है। फिर से यही तो कॉमन सेंस लगाओ बेटा, उनको घर की आवश्यकता नहीं है, वो घुमंतु है, घुमंतु व्यक्ति को घर की आवश्यकता क्यों होगी। ये भी एनसीईआरटी क्लास 6 से। तो अब आप ये लेवल देखो कि क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, कॉमन सेंस है, वो पशुओं के लिए चारा मिल जाए, पानी मिल जाए, इसलिए वो आते हैं। आए हुए क्वेश्चन में अपने घर से नहीं करा रहा। हमारी 10 जनवरी जीडी की पहली और सेकंड शिफ्ट समाप्त हो गई,
अब उस दिन 10 जनवरी की बाकी बची हुई तीसरी और चौथी शिफ्ट करते उत्तर दीजिएगा। 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना। शहरी क्षेत्रों में आवास कौन सी योजना है? इनमें से एक योजना और है जिसका पहले नाम इंदिरा आवास योजना था। इंदिरा आवास योजना, इसका नाम क्या था भैया? इंदिरा आवास योजना। फिर मोदी जी आए, इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें गरीब व्यक्तियों को घर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो 1,20,000 रुपए मिलते, और जो पहाड़ी या कठिन क्षेत्र हैं उनमें 1,30,000 रुपए मिलते हैं। जो अपने प्लेन एरिया से समतल एरिया से उनमें तो 1,20,000 रुपए मिलते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 1,30,000। यह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। यहां पर शहरी की बात हो रही है जिसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। अब बताइए वर्तमान में कौन शहरी और आवास विकास मंत्री है? आवास एवं शहरी विकास मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, यह है क्वेश्चन नंबर एक का उत्तर। दो, कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा देश लुसोफोनिया गेम जो होते हैं इनका हिस्सा नहीं है? कौन सा देश लुसोफोनिया करके जो गेम होते हैं इनका हिस्सा नहीं है? लुसोफोनिया करके जो ये गेम होते हैं इनका हिस्सा नहीं है। सीधा सीधा उत्तर दे दोगे कौन सा नहीं है। सबसे पहले आपको लुसोफोन शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। लुसोफोन होता क्या है? पुर्तगाली भाषा बोलने वाले क्षेत्र, जिन क्षेत्रों को पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, जिन क्षेत्रों में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, पुर्तगाली भाषी क्षेत्र, उन्हें हम लोग लुसोफोन एरिया कहते हैं, लुसोफोन देश कहते हैं। इस नाम का एक उत्सव भी मनाया जाता है, इस नाम का दिसंबर में गोवा में एक उत्सव भी मनाया जाता है। आपको याद होगा कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए समुद्री मार्ग से, सबसे बाद में गए, तो गोवा में पुर्तगाल का राज रहा कई साल, तो गोवा में पुर्तगाली बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब पुर्तगाल तो हो गई होगा, भारत भी इसका। मकाऊ में 2006 में ये प्रथम आयोजित हुए थे, 2014 में इनका आयोजन भारत में हुआ था। तो जर्मनी में तो जर्मनी बोली जाती है, जर्मनी इसका हिस्सा नहीं है। जर्मनी में तो जर्मनी बोली जाती है, जर्मनी इसका हिस्सा नहीं है। मनोरमा प्रिया सिंह श्रुति, ध्यान दो बेटी, मैंने कहा लुसोफोन मतलब पुर्तगाली भाषी क्षेत्र, तो गोवा में भी तो पुर्तगाली बोली जाती है, गोवा भी तो भारत का हिस्सा है, इसका मतलब भारत भी लुसोफोनिया खेलों में हिस्सा लेता है। लास्ट जो ये हुए थे आयोजित 2017 में हुए, वो भी कैंसल हो गए थे। लास्ट 2014 भारत में, अभी तक केवल 3 बार हुए, 2006, 2009 और 2014। 2014 में भारत में हुए, भारत पहले नंबर पर रहा। तो इसमें जो देश हिस्सा लेते हैं, ब्राजील हिस्सा लेती है बड़े देशों में, अंगोला हिस्सा लेता है, कैप वर्ड, ईस्ट तिमूर, गिनी बिसाऊ, मकाओ, मोजाम्बिक, पुर्तगाल, साओ टोम, श्रीलंका, भारत, ये देश हिस्सा लेते हैं, जर्मनी हिस्सा नहीं लेता। दूसरे का उत्तर तीन, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? भारत की जीडीपी में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी थी? भारत की जीडीपी में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी थी? भारत की जीडीपी में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी थी? भारत की जीडीपी में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी थी? कब की बात है? 1980 के दशक की बात है। वर्तमान में 53.54% है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है, सबसे ज्यादा जीडीपी में सेवा क्षेत्र आता है, 53.54%।
सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है, सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है, और दूसरे नंबर पर द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है। सबसे ज्यादा वर्तमान में 53 से 54, उस समय 38.6% थी, उस समय 38.6%, और वर्तमान में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 50% से ज्यादा। वर्तमान में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 50% से ज्यादा। सोचो कितनी तरक्की की है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है, इनमें से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? मां कामाख्या देवी के मंदिर पर, गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों पर, गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत पर या नीलाचल पहाड़ी पर यह मंदिर है, शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ है, इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, इस मेला को पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं, जबकि वांगला त्योहार ड्रम का त्योहार है, यह मेघालय में मनाया जाता है। वांगला त्योहार कहां मनाया जाता है? मेघालय। चापचर कुट कहां पर मनाया जाता है? मिजोरम में। मोत्सु कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड के एओ नागा पीपल के द्वारा। तो मोत्सु त्योहार नागालैंड में, चापचर कुट मिजोरम में, वांगला त्योहार मेघालय में, और पूर्व का महाकुंभ कहा जाने वाला मां कामाख्या देवी के मंदिर पर, अंबुबाची मेला भी कह देते हैं, अंबुबाची मेला भी कह देते हैं, असम के गुवाहाटी में आयोजित होता है, असम के गुवाहाटी में। चलिए भैया, किस उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है, इनमें से कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें ट्रांजिस्टर से लेकर, ट्रांजिस्टर भी इस्तेमाल होते हैं, इनमें टेलीविजन तक इस्तेमाल होता है, टेलीविजन ट्रांजिस्टर ये सब रेडियो वगैरह इसी के अंतर्गत आते हैं। ट्रांजिस्टर का जो वो किया, क्या बोलते हैं, आविष्कार किया है वो जॉन बार्डीन, बार्डीन ब्रिटेन करके एक व्यक्ति थे, बार्डीन ब्रिटेन और शॉकले, बार्डीन ब्रिटेन और शॉकले, इन्होंने दुनिया के पहले ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, इन्होंने दुनिया के पहले ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। अब सोचो खाद्य उद्योग में ट्रांजिस्टर का क्या काम, नेप में ट्रांजिस्टर का क्या काम, जूट में ट्रांजिस्टर का क्या काम? तो कॉमन सेंस से इलेक्ट्रॉनिक्स में इनके काम होते हैं। भाई जूट में टेलीविजन का क्या काम, फर्टिलाइजर में टेलीविजन का क्या काम, और नहर में टेलीविजन, नहर में टेलीविजन को डुबोएंगे थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार बार्डीन ब्रिटेन शॉकले, 5 का D। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये किस अस्पृश्यता का उन्मूलन ये किस अनुच्छेद में है, अस्पृश्यता का उन्मूलन ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए समान कानून। 19वें, कई प्रकार की स्वतंत्रता, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 5 प्रकार की रिट सीधे सुप्रीम कोर्ट में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखिएगा अनुच्छेद 17 ये अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है, अगर कोई छुआछूत करेगा, अस्पृश्यता करेगा, तब एक आपराधिक कानून है, एक अपराध है। किस स्थान पर जून 2021 में इंडियन ग्रैंड प्री 4 का आयोजन किया गया था, इसे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कहती है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कराती है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1946 में हुआ और ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये संस्था एथलेटिक्स का एक आयोजन होता है, इसी के द्वारा जो अपने ओलंपिक वगैरह है उनमें लोगों को चुना जाता है। तो जून 2021 में इंडियन ग्रैंड प्री 4 का आयोजन ये NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में आयोजित किया गया, NIS पटियाला। इन चारों स्थानों में खेल से संबंधित आप पाओगे तो आपको डी ऑप्शन ही मिलेगा, यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला। कितनी बार अखबारों में आता है NIS पटियाला में ट्रेनिंग सेंटर, NIS पटियाला में डैश, NIS पटियाला में ये, NIS पटियाला में वो, समझे? तो 7 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है।
सात का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। आठवां, जब मैग्नीशियम के रिबन को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे किस प्रकार का प्रकाश निकलेगा, किस प्रकार का प्रकाश निकलेगा, और इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये कहां से आया है? केमिस्ट्री क्लास 9, एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 9, साइंस पूरी केमिस्ट्री से आ रही है, मतलब पूरी आठवीं नौवीं दसवीं क्लास से, एनसीईआरटी से। अब ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम को जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे 2MgO, याद रखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पाउडर सा, और ये कैसी प्रकृति होगी इसकी, इसकी प्रकृति होगी बेसिक, ये क्षारीय होती है, जितनी भी धात्विक ऑक्साइड होती है ये क्षारीय होती है, क्योंकि मैग्नीशियम एक धातु है और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होती है, और आपको बिल्कुल ब्राइट व्हाइट लाइट मिलेगी, एकदम सफेद लाइट, ब्राइट व्हाइट लाइट। कैसी लाइट? ब्राइट व्हाइट लाइट, एकदम सफेद चकाचौंध। आठवें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, आठवें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, ब्राइट व्हाइट लाइट, इसे नोट कर लो। और जो ये धात्विक ऑक्साइड होती है जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब बेसिक होती है, हालांकि एल्यूमिनियम वगैरह जो है ये बेसिक और एसिडिक दोनों एम्फोटेरिक होती है, लेकिन ये क्लास 9 एनसीईआरटी विज्ञान का क्वेश्चन है। आठवें का उत्तर सी व्हाइट लाइट। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से तीन सीलेंट्रेटा फाइलम के उदाहरण है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? ब्रेन कोरल, सी एनिमोन, लिवर फ्लूक या सी पेन। ये जो एनिमेलिया किंगडम होती है, जंतु जगत होता है, इस जंतु जगत को कई सारे फाइलम में बांटा होता है, इसी में से फाइलम है सीलेंट्रेटा। कौन सा? सीलेंट्रेटा। अब तीन तो इसमें से सीलेंट्रेटा के उदाहरण है, सीलेंट्रेटा के उदाहरण है, लेकिन एक इसमें से जिसे नाइडीरिया भी कह देते, इसे नाइडीरिया भी कह देते, इसे नाइडीरिया और इसे लेटी हेलमेंथिस भी कहा जाता है, लेटी हेलमेंथिस भी कहा जाता है। ये हमारे पेट वगैरह में कीटे कीड़े मिलते हैं, ये पेट वगैरह में मिलते हैं। बिल्कुल प्रतिभा सर, लिवर फ्लूक नहीं है। कौन सा नहीं है? लिवर फ्लू। ये भी बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 9, ये भी जीव विज्ञान एनसीईआरटी की क्लास 9। इस बार जो हम परिवर्तन में करा रहे हैं जीडी में, वो साइंस और हिस्ट्री एनसीईआरटी से करा रहे हैं बच्चा, ज्योग्राफी भी, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं, समझे? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या है, सीलेंट्रेटा में लिवर फ्लूक आते हैं, बाकी ब्रेन कोरल, सी एनिमोन, सी पेन, ये तीनों के तीनों सीलेंट्रेटा के, लेकिन लिवर फ्लूक जो है ये लेटी हेलमेंथिस के, लिवर फ्लूक किसके? लेटी हेलमेंथिस। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक संगठन की स्थापना की जिसे, जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास। थोड़ा तेजी से उत्तर दीजिएगा। सन 1875 में दो काम हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की और कर्नल एलकॉल्ट और मैडम ब्लावाट्स्की ने न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो दोनों की स्थापना 1875 में हुई है, याद रखिएगा आर्य समाज, किसकी स्थापना की? आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 10 का उत्तर डी। रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये भारत में जब रेडियो की शुरुआत हुई 1923 में, तो ये एक प्राइवेट रेडियो था, प्राइवेट रेडियो, ये एक प्राइवेट रेडियो था। जब आप प्रसार भारती पढ़ते ना करंट अफेयर में, उससे पढ़े प्रसार भारती वगैरह करंट अफेयर में, या हिंदी पढ़े होते, हिंदी की प्रचार प्रसार से संबंधित संस्थाएं, उसमें प्रसार भारती पढ़ते, उसमें दूरदर्शन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता और आकाशवाणी जैसे ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं, ये हो जाता सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो ये जो आकाशवाणी है, इसी की शुरुआत कैसे हुई? तो ये रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे करके एक संस्था थी। कौन सी संस्था थी बच्चा? ये एक संस्था थी
रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, यहां से सबसे पहले यह रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई है 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से। नोट कर लीजिएगा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण। इस क्वेश्चन का उत्तर ऐसे भाग के दोगे, ऐसे भाग के दोगे कि मतलब जैसे तुमसे ज्यादा इसका उत्तर कोई नहीं जानता हो, क्योंकि तुम इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो। इस बार अच्छा पढ़ लो, ये जो 25 घंटे 40 घंटे में जी के करा रहे हैं ना, इनसे बचो, जिंदगी बर्बाद है स्टूडेंट्स की। एक क्रम से जब नोट्स बना के पढ़ते तभी एग्जाम निकलेगा, नहीं तो 100 बार दे देना, नहीं निकलेगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 12 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसे फैक्टर माना जाता है, किसे कारक माना जाता है? एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रोड का कंस्ट्रक्शन, केमिकल का यूज, किसे फैक्टर माना जाता है? इकोनॉमिक्स के अच्छे क्वेश्चन, चाहे सर्विस सेक्टर वगैरह का योगदान पूछे या नेशनल इनकम वगैरह, अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बताओ 1980 में कितना था, इसको पूछने की जरूरत थी? एक्सपोर्ट जो होता है, निर्यात जो होता है, देश से बाहर जब कोई सामान जाता है, एक्सपोर्ट, इसे फैक्टर काउंट किया जाता है। एक्सपोर्ट को फैक्टर काउंट किया जाता है। 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भरतनाट्यम में किसे दिया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भरतनाट्यम में किसे दिया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भरतनाट्यम में किसे दिया गया? अच्छे से याद रखिएगा, भरतनाट्यम पूछा है। सबसे पहला तो टी बाल सरस्वती जी को दिया गया था, सबसे पहला तो टी बाल सरस्वती। भरतनाट्यम के लिए 10 लाख रुपए का संगीत नाटक अकादमी पहला 1955 में टी बाल सरस्वती जी को मिला। अब देखो इसमें अथम लक्ष्मी देवी जी को मणिपुरी के लिए मिला है, मणिपुरी के लिए मिला है। माधवी सुब्रमण्यम नंबूदरी, इन्हें कथकली के लिए मिला है। इन्हें किसके लिए मिला है? नंबूदरी जो है इन्हें साथी कथकली के लिए मिला है। माधवी सुब्रमण्यम नंबूदरी इनको 2017 में मिला है, लेकिन कथकली के लिए 2017 में। इन्हें 2018 में मणिपुरी के लिए। तो अखम लक्ष्मी देवी इन्हें मणिपुरी के लिए, सुब्रमण्यम नंबूदरी इन्हें कथकली के लिए, और राधा श्रीधर इन्हें 2018 में भरतनाट्यम के लिए। राधा श्रीधर को 2018 में भरतनाट्यम के लिए, 2018 में भरतनाट्यम के लिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? चुनावों से संबंधित भाग 15 या संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव इत्यादि के बारे में बात करता है? इलेक्शन कमीशन का गठन, तुरंत बता दोगे आप। इलेक्शन कमीशन अगर आपसे पूछे आप तुरंत बता दोगे, इलेक्शन कमीशन अगर आपसे पूछे आप तुरंत बता दोगे, क्योंकि भाग 15 जो है ये चुनावों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हुई है। अनुच्छेद 326 इसमें जो 18 वर्ष से ऊपर सभी लोग वोट डाल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है चुनावों से संबंधित इनमें एक ही आर्टिकल है, अनुच्छेद 324। क्योंकि 356 राज्य में आप कह सकते हो आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। 16, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का उपराज्यपाल है? नवंबर 2022 के अनुसार दिल्ली का उपराज्यपाल, नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार दिल्ली का उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल और इनमें और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनमें और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों में घूसा बचा हुआ है, मतलब कहने का अर्थ है इन दोनों में लड़ाई चल रही है। 22 उपराज्यपाल है 26 मई 2022 से, 26 मई 2022 से।
और ये 22वें उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, वी के सक्सेना। इससे पहले ये केवीआईसी में थे, खादी एवं विलेज कमीशन में। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर डी, एक किसरा अय्यर जी का संबंध किस नृत्य शैली से? इन्होंने इस नृत्य के उद्धार के लिए नामकरण भी 1932 में इन्हीं के द्वारा किया गया। इस नृत्य का नामकरण का नाम सादिर अट्टम था। क्या था? सादिर अट्टम। तो सादिर अट्टम से इसका नाम जो भरतनाट्यम पड़ा है वो भी इन्हीं के प्रयासों से। एक कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल, एक कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल, एक कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल, इन्हें भरतनाट्यम का उद्धार करने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर ही आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर ही आपका बिल्कुल सही है। एक कृष्ण अय्यर भरतनाट्यम से संबंधित है, रुक्मणी देवी अरुंडेल और एक कृष्ण अय्यर भरतनाट्यम, नामकरण भी भरतनाट्यम का सादिर अट्टम से 1932 में इन्हीं के द्वारा किया गया। भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार जनसंख्या की जनगणना की जाती है? भाई शुरुआत 1872 से, पहली बार संपूर्ण जनगणना 1881 और यहीं से दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई। यहीं से किसकी शुरुआत हुई है? दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई है। मतलब प्रत्येक 10 वर्ष में, प्रत्येक 10 साल में भारत में जनगणना होती है। प्रत्येक 10 साल में भारत में जनगणना होती है। कितने साल में? प्रत्येक 10 वर्ष में, प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती है। 5 साल कौन उत्तर दे रहा है? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन 18 का, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप की शुरुआत की थी? इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप लॉन्च किया था, और यह भारत के, फिर से बता रहा हूं, ये भारत के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री है, आवास व शहरी मामलों के मंत्री है, आवास व शहरी मामलों के मंत्री है, आवास व शहरी मामलों के मंत्री। इन्होंने ही इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप की शुरुआत की थी। तो देखने से नाम लग रहा है मंत्री तो इनमें एक ही है, हरदीप सिंह पुरी। मंत्री तो इनमें एक ही है, एचएस पुरी, हरदीप सिंह पुरी। ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 19 का ए आपका बिल्कुल है। डैश बहते पानी में एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा करता है और एक जलाशय, झील या बाड़ा बनाता है। यह नदी बह रही है, इस नदी के बीच में आपने एक रुकावट लगा दी, यह नदी का पानी इकट्ठा होकर झील बन गया। कौन सी चीज रुकावट है? क्या ट्रिब्यूटरी, खाई, डैम या मियांडर? इनमें से कौन सी चीज नदी के रास्ते की रुकावट है जो पानी को रोककर झील वगैरह बनाती है? कोई सा भी बांध बनाया जाता है तो पानी रुक जाता है, और बांध का जो पानी रुका हुआ होता है वही तो झील बनाती है। कितना कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। सी आपका बिल्कुल सही है। बांध जो होते हैं, इसमें भी लोग अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। बेटा पानी को कौन रोकता है? बांध ही तो रोकता है। अ डैम इज अ बैरियर। मियांडर तो इस तरह से नदी जब टेढ़ी मेढ़ी होकर कहती है, इसको मियांडर कहते हैं। बांधी तो होता है जो रोकथाम करता है। ये हमारी तीसरी शिफ्ट होगी 10 जनवरी की। अब 10 जनवरी की लास्ट चौथी शिफ्ट शुरू हो रही है। डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 का इनमें से नाम बताइए। देखिए म्यूरेटिक एसिड क्या हो जाता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं। नीला पेट्रोल CuSO4.xH2O, इसमें x की वैल्यू 0 से लेकर 5 कुछ भी हो सकती है। हरा विट्रोइल ये फेरस सल्फेट होता है FeSO4.7H2O, और ऑयल ऑफ विट्रोइल या H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, इसे सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं और इसे ऑयल ऑफ विट्रोइल भी कहते हैं। इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, इसे ऑयल ऑफ विट्रोइल भी कहते हैं, और इसे एसिड्स का किंग भी कहा जाता है। बाकी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
इसे म्यूरेटिक अम्ल बोल देते हैं। CuSO4.H2O ये ब्लू विट्रोइल हो जाता है और ऑयल ऑफ हरा विट्रोइल ये FeSO4 को कहते हैं। तो किसका उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। बजट दस्तावेज कुल वेको डैश में वर्गीकृत करता है। आप सभी जानते हैं जो हमारे देश का संविधान है, तो संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक व्यय विवरण की बात हुई है, एनुअल एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट की बात हुई है कि सरकार जो भी खर्च करना चाहती है उसका एक वार्षिक विवरण बनाएगी, इसी को आम भाषा में बजट कह देते हैं। बजट जितना भी खर्चा होता है उसको दो भागों में बांटता है, एक प्लान और एक नॉन प्लान, एक योजनागत और एक गैर योजनागत। योजनागत जिसका प्लान करके रख रखा है और गैर योजनागत जिसमें मतलब कुछ इमरजेंसी वगैरह आ जाए। तो 22 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 23 पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत और विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं। जैसे फंगस होती है जिससे आप कवक बोलते हैं, कवक आपने देखा होगा कोई मरा हुआ पौधा है, कोई मृत पौधा है, उस मृत पौधे की जड़ों में इसका जन्म हो जाता है और उस मृत पौधे से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये परजीवी होते हैं, क्या बोलते हैं, परजीवी। ये एक प्रकार के पैरासाइट है, लेकिन प्राप्त किससे करते हैं, मृत और विघटित। ऐसे कई जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया हो गई, फंगस हो गई, इन्हें मृत जीवी कहा जाता है, इन्हें साथी सेप्रोटोफ कहा जाता है, इन्हें सेप्रोट्रोफ कहा जाता है। अंग्रेजी में सेप्रोट्रोफ कहते हैं और हिंदी में मृत जीवी कहते हैं, हिंदी में मृत जीवी कहते हैं। 23 का सी मोहनी अट्टम की जननी इस नाम की एक फिल्म बनाई है, इनकी पोती ने अपनी दादी के ऊपर एक फिल्म बनाई है। इनकी पोती का नाम है स्मिता राजन। क्या नाम है? स्मिता राजन ने इनके ऊपर एक फिल्म बनाई है और ये संगीत नाटक अकादमी अर्थात इस नृत्य के लिए मोहिनीअट्टम के लिए संगीत नाटक अकादमी प्राप्त करने वाली दूसरी नर्तकी थी 1978 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। शोभना नारायण, महबूब सुभानी, अनुराधा पांडे, इनमें से जो सबसे ज्यादा चर्चित है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। इनके जो पति थे वो कथकली के डांसर थे और ये मोहिनीअट्टम की डांसर थी। इनके ऊपर इनकी पोती ने एक फिल्म बनाई मोहिनीअट्टम की जननी। डॉक्यू फिक्शन का अर्थ होता है एक डॉक्यूमेंट्री, एक मूवी। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, कल्याणी कुट्टी अम्मा। नव्या सेम सिलेबस है बेटा, जीडी कराएगी। किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है? पेड्डा पांडुंगा मकर संक्रांति को कहा जाता है? पेड्डा पांडुंगा। मकर संक्रांति के कई नाम होते हैं, जैसे मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में पेड्डा पांडुंगा कहा जाता है, मकर संक्रांति को ही असम में माघ बिहू कहा जाता है, मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया जाता है, अलग अलग नाम है। तो गुजरात में उत्तरायण, असम में माघ बिहू, आंध्र प्रदेश में पेड्डा पांडुंगा। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 25 का भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चूना पत्थर का फॉर्मूला पूछता है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन भी कह देते हैं, इसे लाइमस्टोन भी कह देते हैं। चूना पत्थर
यही मार्बल का फॉर्मूला भी होता है, यही जो व्हाइट वॉशिंग हो जाती है और दीवारों जो चमकने लगती है व्हाइट वॉशिंग करने के बाद में, वो चमक भी इसी के कारण होती है। यही चौक का फॉर्मूला है, चौक का फॉर्मूला। तो चूना पत्थर किस उद्योग में काम आता है भाई? फर्नीचर में तो लकड़ी काम आएगी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, प्लास्टिक में चूना पत्थर का काम क्या? तो सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। चूना पत्थर हो गया या जिप्सम हो गया, ये सीमेंट उद्योग में काम आते हैं। 26 का सी आपका बिल्कुल सही है। 27, विषम का चयन करें। यहां पर रेशेदार फसलें, इनमें से एक फसल रेशेदार नहीं है, इनमें से एक फसल रेशेदार नहीं है, इनमें से एक फसल रेशेदार नहीं है, ध्यान दीजिए, इनमें से एक फसल रेशेदार नहीं है, जिसका रेशे से कोई मतलब नहीं है। एबीसीडी पढ़ो, कपास कपड़ा बनता है, रेशेदार होती है, रेशे होते हैं, जूट भी रेशेदार फसल है, हेम्प ये भी रेशेदार फसल है जिसे सन कहा जाता है, लेकिन रबड़, रबड़ कहां से रेशेदार होगी? रबड़ तो लिक्विड के रूप में मिलती है पेड़ से, फिर इसमें सल्फर गैस मिलाकर इसे कड़क बनाया जाता है, कठोर बनाया जाता है, जिसे वल्कनीकरण कहते हैं, रबड़ का वल्कनीकरण। तो 27 में बी अलग है, बाकी तीन ये रेशा फसलें फाइबर क्रॉप है, परंतु रबड़ ये फाइबर क्रॉप नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ये कहां से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की विधि अनुच्छेद 54 में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचक मंडल जो होता है इलेक्टोरल कॉलेज, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं, निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं। जर्मनी से बिल्कुल नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका से, हमने यहां से फंडामेंटल राइट्स लिए, स्वतंत्र न्यायपालिका ली, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता ये लिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग इत्यादि लिए, दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन लिया, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि हमने आयरलैंड से लिए, कहां से लिए? आयरलैंड से। सारे गलत हो, एक भी सही नहीं है, तुम्हें बहुत पढ़ने की जरूरत है। फिर से बता दे रहा हूं, इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करना, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये सब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, ये सब अच्छे से याद रखिएगा, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। बेटा अमेरिका में और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है। अमेरिका में लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं प्रत्यक्ष, हमारे यहां नहीं करते। आयरलैंड से लिया गया। चलिए, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया, बाद में इसे मनरेगा में मिला दिया गया था? तो मतलब जो पुरानी इसकी स्कीम है वो पूछ ली जाती है, पुरानी स्कीम को पूछ लिया जाता है। जैसे एक जवाहर रोजगार योजना थी, एक इंप्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम थी, दोनों को मिलाकर स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना बनाई गई, बाद में इसी में राष्ट्रीय नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम मनरेगा में मर्ज कर दिया गया। साल 2004 की बात है। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर भी, साल 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम 29 का भी। 30, 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी इसी देश ने साल 2022 में फीफा पुरुष वर्ल्ड कप की मेजबानी की है, पुरुष वर्ल्ड कप की मेजबानी यहीं पर अर्जेंटीना की टीम ने जीता है, अर्जेंटीना की टीम विनर रही है और अर्जेंटीना की टीम ने कारनामा थर्ड टाइम किया है, तीसरी बार किया है। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी, जिनको गोल्डन बॉल मिली, गोल्डन बूट ये मिला है फ्रांस के कप्तान को, गोल्डन ग्लव्स ये मिले अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज को। तो किस देश ने 2019 में, कतर ने, सोचो 2019 का करंट अफेयर पूछा, कतर ने एशियाई
एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? इसका उत्तर सी। कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है? राज्य कार्यकारिणी, कार्यकारिणी शब्द गलत है, इसमें स्टेट कार्यपालिका होना चाहिए था, राज्य कार्यपालिका। जैसे आप जानते हैं अनुच्छेद 52 से लेकर ये संघ कार्यपालिका शुरू हो जाती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, और संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्ति अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित होती है। इसी तरह से याद रखिएगा अनुच्छेद 153 से 167 ये संविधान का भाग 6 शुरू हो जाता है, संविधान का भाग 6। यहां से बच्चा संविधान का भाग 6 शुरू हो जाता है, क्यों? क्योंकि भाग 5 जो है अनुच्छेद 48 से 152 ये कैग के बारे में, किससे संबंधित कैग, और कैग संघ कार्यपालिका में आता है भाग 5 में। भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 31 का सी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा एकल शास्त्र है? मोहिनीअट्टम कहां का नृत्य है? मोहिनीअट्टम कहां का नृत्य है? मोहिनीअट्टम कहां का नृत्य है? बेटा आपस में तुम लता नीलम का ही पता पूछ लो, लता बेटा बाद में मेरिट में तुम्हें नाम नहीं होगा पता, और फिर पूछो ना तुम सबका पता। ए बेटा लता तुम्हें आंसर नहीं पता लेकिन पूछ रही हो सबके पता, आएगा रिजल्ट मेरिट में नहीं होगा तब पता। कहां गई लता, इधर पढ़ ले मेरी बेटी। मोहिनीअट्टम केरल, मोहिनीअट्टम केरल, मोहिनीअट्टम केरल 32 का डी। चलिए उत्तर प्रदेश का कथक। टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन, टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन, टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन, टेक कॉन्क्लेव 2022। एक पूछ रहा वैकेंसी कब आएंगे, बेटा जब से तू पढ़ना शुरू करेगा वैकेंसी का वेट कर, मैं तो कह रहा हूं वैकेंसी छोड़ एडमिट कार्ड पे पढ़ना शुरू करना, तू एडमिट कार्ड पे पढ़ना शुरू करना। आलोक टेक, टेक की बात चले टेक्नोलॉजी, तुरंत दिमाग में आ गया सर टेक्नोलॉजी, अच्छा इसमें टेक्नोलॉजी से संबंधित कौन है? स्मृति ईरानी टेक्नोलॉजी नहीं, ये तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, इनका टेक्नोलॉजी से क्या मतलब? अमित शाह जी नहीं, सहकारिता मंत्री गृह मंत्री राजनाथ सिंह, ये भी टेक कॉन्क्लेव डिफेंस कॉन्क्लेव होती, मारधाड़ की बात होती तो बात होती क्योंकि रक्षा मंत्री है। टेक ये अश्विनी वैष्णव, याद है ना आईटी मिनिस्टर भी है, संचार मंत्री भी है, रेल मंत्री भी है, तो इस वजह से इन्होंने ही टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, इन्होंने ही टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। 34 किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़ झाड़ियों में लगी आग सूखे और कोविड 19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन सपोर्ट करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के एक अवार्ड मिला है। आलोक कुमार यादव एप्लीकेशन पर जीडी का बैच, ये हमारा परिवर्तन 3.0 में चल रहा है, सुबह 8 बजे से इसकी क्लासेस शुरू होती हैं और 8 से 12 फिर 2 से 6 8 घंटे डेली क्लासेस, स्ट्रेटेजी के मैं खुद करा रहा हूं, राजस्थान हमारा कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छे से। याद रखिएगा किससे मिला है बताइए, इनमें से किस व्यक्ति को अवार्ड मिला है, इनमें से किस व्यक्ति को न्यू साउथ वेल्स नामक ये अवार्ड मिला है, न्यू साउथ वेल्स नामक करके ये अवार्ड मिला है, न्यू साउथ वेल्स करके, बिल्कुल सही अमर सिंह जी को मिला है। किसे मिला? अमर सिंह जी को। अमर सिंह जी कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? हम सभी पढ़ते हैं गांधी जी ने 1918 मार्च के आसपास एक खेड़ा आंदोलन की नेतृत्व किया था, सबसे पहला चंपारण आंदोलन था 1917 में, दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, यहां भी बोनस की मांग को लेकर चंपारण में 3 कठिया प्रणाली। खेड़ा में मांग क्या थी? तो खेड़ा में क्या था, सूखा वगैरह पड़ने के कारण किसान लगान नहीं दे पा रहे थे, किसानों की फसल बर्बाद ज्यादा हो गई थी, और उसमें था कि अगर इतनी प्रतिशत से ज्यादा फसल बर्बाद हो जाए तो लगान नहीं बनता, लेकिन अंग्रेज अफसर चाहते थे कि लोग लगान भरे, ये लोग लगान भरे, 7वें से स्टार्ट 7 से हुई, इसलिए वो क्या चाहते थे कि जो लगान है
जो राजस्व संग्रह, इसको लगान कहा जाता है, इसमें ढील दी जाए, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, ये चाहते थे। बागान प्रणाली से उनका कोई मतलब नहीं था, संकर बीज की भी मांग नहीं थी, निशुल्क सिंचाई की मांग भी नहीं थी, लगान वसूलने में ढील दी जाए, ये उनकी मांग थी। भी आपका बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर है। 35 का दो, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल में किसने सर्वाधिक रन बनाए थे, भारत की ओर से किसने? ये इंग्लैंड में तो आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। इंग्लैंड कौन था होस्ट क्रिकेट विश्व कप? विजेता था भारत, हारने वाली टीम थी वेस्ट इंडीज। उप विजेता कौन था, किसे हराकर बनी हम लोग? वेस्ट इंडीज को हराकर। भारत की ओर से किसने, एक बार याद रखिएगा, अमरनाथ करके जो व्यक्ति थे वो तो मैन ऑफ द मैच थे, अमरनाथ मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच। और सबसे ज्यादा रन बनाए थे के कृष्णमाचारी श्रीकांत ने, कृष्णमाचारी श्रीकांत ने, कृष्णमाचारी श्रीकांत ने, और कपिल देव थे कप्तान, कृष्णमाचारी श्रीकांत ने। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, कृष्णमाचारी श्रीकांत ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। तो बेटा नहीं आता तो उत्तर मत दिया करो, अब तुम्हें यह पता चल गया तुम्हें पढ़ना कैसे, समझ में आ गई नहीं आ गई? कृष्णमाचारी श्रीकांत। 36 का उत्तर दो, आपका बिल्कुल सही है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कितने वर्ष पहले चीन में हुआ था, मतलब चीनी लोगों को कितने वर्ष पहले यह तकनीक का पता था, रेशम बनाने की तकनीक का, इसे सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम के जो कीड़ा होता है उसकी खेती करना, इसे सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, इसे सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर। बताइए बच्चा कितने साल पहले, 7000 साल पहले, लगभग 7000 साल पहले, लगभग 7000 साल पहले। बेटा 30-15-20 हजार, ये ज्यादा नहीं हो गई? 30000 साल पहले आदमी को ये नहीं पता था खाना क्या है पीना क्या है, रेशम कैसे घंटा बनाएगा वो, ये जो 20000-30000 साल बता रहे हो, अरे थोड़ी बुद्धि लगा लो। जिस आदमी को पत्थर से मतलब था वो कपड़े वगैरह तो पहनता नहीं था, वो रेशम बनाएगा? अरे रेशम की जरूरत, कपड़े पहनने की जरूरत, रेशम के कपड़े होते हैं ना, तो वो तो उसी को पता होगा जो कपड़े पहनना, कपड़े पहनोगे तभी तो पता चलेगा रेशम के या कॉटन के। 30000 साल पहले आदमी कपड़े पहनता नहीं था, उसे तुम रेशम के कपड़े पहना रहे हो। वाची तो तुम अफ्रीकी चीते हो, कुछ ही बचे हो, कुनो नेशनल पार्क में जो आए ना उनमें से कुछ, मतलब बताओ 30000 साल पहले आदमी को रेशम के कपड़े, भाई साहब बेहोश हो जाएगा सुन के। अच्छा हुआ तुमने से कॉटन के ना पहनाए, तुम्हारा बस चलता तो कॉटन के भी पहना देते। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया, यह किस वर्ष किया था, यह निर्णय किस वर्ष आया था? 5 जजों की बेंच थी, कितने जजों की बेंच थी? 5 जजों की पीठ। जेएस खेयर करके जो व्यक्ति थे, जेएस खेयर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इसमें 3-2 के मेजोरिटी फैसले से 3 लोगों ने हां बोली और 2 लोगों ने ना। तलाक ए बिद्दत, इस तलाक का नाम है तलाक ए बिद्दत, इंस्टेंट तलाक, तलाक तलाक तलाक। बहू मैंने तुम्हारे लिए 5-10 साल खाना पकाया, तुम्हारे बच्चों की इतनी सेवा की, तुम्हारी इतनी सेवा की, और तुम एक बार गुस्सा हो गया, तलाक तलाक तलाक। तो जो इंस्टेंट तलाक है जिसे तलाक के बिद्दत, इसे असंवैधानिक घोषित किया था। और ये अगस्त 2017 की बात है, कब की बात है? अगस्त 2017 की। और 2019 में भारत सरकार ने कानून बनाया, अब अगर कोई तलाक के बिद्दत देता है, इंस्टेंट तलाक देता है, 3 साल की सजा है। कितने साल की सजा है? 3 साल की सजा है। कितने साल की सजा है? 3 साल की सजा है। कितने साल की सजा है? हिमांशी बेटा पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। 38 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है, साल 2017। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? अभी भी बहुत ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, अभी भी लगभग 58-60% लोगों को काम धंधा
जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो कृषि में ही मिलता है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है कृषि। लेकिन स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितनी आबादी, उस समय लगभग 3/4 आबादी, 75% आबादी, लगभग 75% आबादी ये कृषि पर निर्भर थी। लगभग 75% आबादी, कितनी आबादी, 75% आबादी, 40 पर आ जाते। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर, अक्टूबर नवंबर की बात चल रही है, अगर आप अपने उत्तर भारत में देखें, तो यहां पर जून जुलाई में एक गर्त बना था। क्या बना था? गर्त, जिसको मानसून गर्त कहा जाता है, मतलब लो प्रेशर एरिया, इसको लो प्रेशर एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? लो प्रेशर एरिया बना था गर्मी के कारण, क्योंकि सूरज यहां पे तेज धूप देता था, गर्मी हो गई, हवा यहां से चली गई उड़के, और यहां पर एक निम्न दाब क्षेत्र बन गया। भूमध्य रेखा को पार करके जो व्यापारिक पवने थी वो भारत आ गई, और इसी को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब बात अक्टूबर नवंबर की, मतलब मानसून लौट रहा है। मानसून क्या कर रहा है? लौट रहा है। तो उत्तरी मैदानों के ऊपर ये जो मानसून गर्त था, क्या था? मानसून गर्त, ये थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, लूज पड़ जाता है, जिसकी वजह से मानसूनी हवाएं वापस आने लगती हैं। मानसूनी हवाएं क्या आने लगती है? वापस आने लगती हैं। समझ गए मेरी बात? और जब ये वापस आती है तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में बारिश करती है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में बारिश। इसलिए तमिलनाडु के ज्यादातर बारिश कौन से महीने में होती है? तमिलनाडु में ज्यादातर बारिश कौन से महीने में होती है? सर, अक्टूबर नवंबर के महीने में। अक्टूबर नवंबर के महीने में मानसूनी गर्त कमजोर पड़ जाता है, और जो अपने ये समुद्री क्षेत्र है तमिलनाडु के आसपास बंगाल की खाड़ी, यहां पर ज्यादा गर्मी हो जाती है, यहां पर निम्न दाब क्षेत्र बनने लगता है। इसे वापसी का मानसून कहते हैं, लौटता हुआ मानसून कहते हैं। नोट कर लेना, आज बताइए 40 में से आपका स्कोर कैसा है, ये दो शिफ्ट आपके लिए कैसे रही। आज आपने लगभग 30-40% क्वेश्चनों के सही उत्तर दिए, 50-60% क्वेश्चनों के एकदम गलत उत्तर। प्रश्न संख्या 40 का उत्तर एक आपका बिल्कुल, पश्चिमी विक्षोभ का तो कोई मतलब ही नहीं है स्वातु। पश्चिमी विक्षोभ कब आया? ये आता है जनवरी फरवरी में, हम बात कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर, इतना 4 महीने का अंतर। चलिए, क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना आप सभी लोग। और अभी सुबह 6 बजे करंट अफेयर, संजीव सर की मत छोड़िए, 50-60% पेपर वहीं से बनता है। ये क्लास तब कामयाब है जब आप उनकी क्लास लोगे। 8 बजे विपुल सर, 9 बजे प्रीति मैम, शाम को 7 बजे हिंदी, 8 बजे हिंदी, 9 बजे मैं आ जाता हूं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।